नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। ऐसे में साजिद राशिद ने यूपी सरकार, या यूं कहें कि सीधे सीधे सीएम योगी को ही चेतावनी दे डाली है। मौलाना साजिद राशिद ने कहा कि जो भी संस्थान धार्मिक शिक्षा देते हो, चाहे वो गुरुकुल हो या मदरसा, उनका सर्वे और इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर मौलाना साजिद राशिद की जुबान यही रुक जाती तो भी ठीक था, लेकिन इसके आगे मौलाना ने जो कहा वो आप खुद सुन लीजिए। आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। सरकार से हमारा क्या लेना देना, हमें कुरान पढ़ाना है उसमें, हमें हदीस पढ़ानी है उसमें, हमें इमाम पैदा करने हैं, कुरान पढ़ाने वाला हाफिज पैदा करने वाला, हदीस पढ़ाने वाला मौलवी पैदा करना है, हम क्यों लेंगे सरकार से, जब हमारे संविधान ने, देश के संविधान में हमें ये कहा है कि अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की आपको इजाजत, हम क्यों लेंगे भाई आपसे इसके लिए परमिशन। मौलाना साजिद राशिद ने चेतावनी दी है कि निजी मदरसों का अगर कोई सर्वे करने आता है तो उन्हें 2009 का आदेश दिखाएं और फिर चप्पल जूतों से स्वागत करें। लेकिन वो ये भूल गए कि वो किस सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी देने या उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने वालों को जेल की हवा खिला सकता है, और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो तो ऐसी गुंडागर्दी का चलना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुत बर्दाश्त कर रहा है, अगर अपनी पर आ गया तो ये सरकार अपने आप को बचा भी नहीं पाएगी। मौलाना ने कहा कि जो मदरसे सरकार से लीगल एड लेते हैं उनका सर्वे करवाइए और उनका आधुनिकीकरण कीजिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से अपील है कि अगर कोई निजी मदरसों के सर्वे का नोटिस लेकर आए तो उन्हें 2009 का आदेश दिखाकर चप्पल जूतों से उनका स्वागत करो। बस यही जूते चप्पल वाली बात मौलाना और उनकी बात मानने वालों के लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकती है जिसे संभालना इनके बस में नहीं रहेगा। मौलाना साजिद राशिद ने कहा कि मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मदरसों में कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है, हमें इमाम पैदा करने हैं, हदीस पढ़ाने वाले मौलवी पैदा करने हैं। देश के संविधान ने यह कहा है कि अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करने और प्रचार प्रसार करने की इजाजत है, तो कुरान और हदीस पढ़ने के लिए हम सरकार से परमिशन क्यों लेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी से ही देश में मदरसे खुले हुए हैं और मदरसों की ही देन है आजादी। मदरसों में ही पढ़े लिखे लोग थे और वो जिन्होंने गांधी जी के साथ जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी। साजिद राशिद ने कहा कि जो भी संस्थान धार्मिक शिक्षा देते हों, चाहे वो गुरुकुल हों या मदरसे हों या किसी भी समुदाय या धर्म को मानने वाले के मदरसे हों, उनका सर्वे और इंक्वायरी कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुत बर्दाश्त कर रहा है, जिस दिन वह अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक रूप से उठ खड़ा होगा तो सरकार अपने आप को बचा नहीं पाएगी। इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।